बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज से पहले हम कोई भी अगर आप एटम ले लें, मसलन अगर आप कार्बन एटम ही ले लें, तो कार्बन एटम में आपने देखा इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, 6। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, 6। और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, 0, 6। अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो अब प्लस 6 प्रोटॉन्स की वजह से इसमें क्या चार्ज होगा, प्लस 6। और 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें क्या चार्ज होगा, माइनस 6। तो इस एटम पे कोई चार्ज नहीं। तो ये प्लस 6 माइनस 6 अगर इनको आप क्या करें, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो बहरहाल इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज क्या आएगा, 0। एटम पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी एटम ले ले, मॉलिक्यूल ले ले या कंपाउंड, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। जब बराबर होंगे तो एटम या वो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज कब आएगा, जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, मतलब सोडियम अगर आप देखें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसमें क्या चार्ज आता है, प्लस 1। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम अगर आप ले लें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस 2। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2। इसी तरह अगर आप एल्युमिनियम देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3। और इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस 3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन एटम देखें तो ये लूज नहीं करता बल्कि क्या करता है, गेन करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, -1। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन ले लें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। तो इस पे क्या चार्ज आएगा, -2। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन ले लें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3। और इस पे चार्ज क्या आएगा, -3। अब इन स्पीशीज पे देखें, सब पे क्या है, चार्ज है, किसी पे प्लस चार्ज किसी पे माइनस चार्ज। तो ऐसे स्पीशीज को क्या नाम देते हैं, केमिकल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। तो केमिकल स्पीशीज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, आयन पढ़ना है। तो आयन कहते हैं कि कोई भी चार्ज स्पीशीज को, किसको, कोई भी चार्ज स्पीशीज यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, चार्ज हो, या तो प्लस होगा या वो क्या होगा, माइनस होगा। तो कोई भी स्पीशीज जिस पे चार्ज हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो कोई भी स्पीशीज पे, उसको क्या नाम देंगे, आयन कहेंगे। इसी तरह CO3-2, अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, इस पे क्या चार्ज है, -2 चार्ज, तो इसको भी आप क्या नाम देंगे, आयन कहेंगे। तो कोई भी स्पीशीज जिस पे चार्ज हो, चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कोई भी स्पीशीज जिस पे चार्ज हो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको क्या नाम देंगे आप, आयंस कहेंगे। अब इनकी दो टाइप्स होते हैं आयंस की, कितने टाइप्स होती है, दो टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस को दो टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक टाइप को नाम देते हैं केट आयन, क्या नाम देंगे, केट आयंस कहेंगे। तो केट आयन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, किनको, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अगर आप सोडियम देखें तो इसमें कौन सा चार्ज है, +1। जिस तरह अगर आप मैग्नीशियम देखें तो इसमें क्या चार्ज है, +2। जिस तरह एल्युमिनियम देखें तो इसमें क्या चार्ज है, +3। तो कोई भी स्पीशीज जिसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को क्या नाम देंगे, केट आयन कहेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड केट आयन। कोई भी स्पीशीज पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या नाम देंगे, केट आयन कहेंगे। मसलन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे क्या चार्ज आया, +1।
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसपे क्या चार्ज आया +2 एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसपे क्या चार्ज आया +3 तो अब इन सारों पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज तो कौन से आइस कहेंगे केट आइस कहेंगे या पॉजिटिव आइस कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है सिंपल पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या नाम देंगे पॉजिटिव आइस या इसको क्या नाम देंगे केट आइस कहेंगे तो केट आइस आर दो स्पीशीज दैट हैव पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड केट आइस तो ये तीन मिसालें आपके पास क्या है मौजूद है इन पे कौन से चार्ज है प्लस चार्ज है तो आप इसमें देखें दूसरी टाइप क्या होगी दूसरी टाइप क्या है एन आई तो एन आई किसे कहेंगे आपको बताएं क्या बात इसमें कौन सा चार्ज हो पसंद फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें कौन सा चार्ज आया इसी तरह ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पे कौन सा चार्ज आया इसी तरह नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया थ्री और इसमें कौन सा चार्ज आया तो इन आइंस को क्या नाम देंगे आप एन आइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस को आपने क्या नाम दिया एन आइंस इसी तरह नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को आप क्या नाम देंगे एन आई कहेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को आपने क्या नाम दिया गेट आइंस और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को आप क्या नाम देंगे एन आइंस तो आइंस किसे कहेंगे कोई भी स्पीशीज जिसपे क्या हो चार्ज हो या तो चार्ज कौन सा हो सकता है पॉजिटिव या कौन सा हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव या कोई भी स्पीशीज पे चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको आप क्या नाम देंगे आइंस कहेंगे दो टाइप से इसकी एक को नाम देते हैं गेट आइंस दूसरे को क्या नाम देते हैं एन आइंस तो गेट आइंस को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को और एन आइंस से कहते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कब बनते हैं जब एटम क्या करते हैं या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे इस सब पे देखिए क्या कर रहे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो जो लूज करे उनको आपने राइट साइड में प्रोडक्ट के साथ लिखा तो वो इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं लूज कर रहे हैं तो हमेशा गेट आइंस कब बनेंगे जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करे इलेक्ट्रॉन्स लूज करे एन आइंस कब बनेंगे जब क्या करे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करे इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसको क्या नाम देंगे वो कब कौन सा आइंस बनेगा और दूसरे जो एन आइंस बनेंगे जब एटम गेन करेगा तो अब इसमें आप देखें अहम चीजें हैं आपने इनको देखा है कि कौन कौन से एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लूज करेंगे कौन से एटम कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे मसलन ग्रुप वन ए के कुछ एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1a इनके इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके एटम्स हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन यानी ग्रुप 1a के एलिमेंट्स मसलन कौन कौन से हैं ग्रुप 1a के एलिमेंट्स हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और ट्रिटियम तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वन इलेक्ट्रॉन बस अभी हमने मिसाल पढ़ी सोडियम आप ले लें पोटेशियम ले लें लिथियम ले लें तो ये सारे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आएगा प्लस वन इसी तरह पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें क्या चार्ज आएगा प्लस वन इसी तरह लिथियम भी पहले ग्रुप का है तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें भी क्या चार्ज आएगा प्लस वन तो ग्रुप वन ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वन इलेक्ट्रॉन क्यों वन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम आगे से चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके जो आखिरी शेल है जिस इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एक जब एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह ग्रुप टू ए के जो एलिमेंट्स है मसलन ब्रिलियम मसलन मैग्नीशियम मसलन कैल्शियम अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं
दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन प्लस टू। इसी तरह मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टू, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा प्लस टू। इसी तरह कैल्शियम भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टू, टू, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा सी ए प्लस टू। तो ग्रुप टू एक एलिमेंट, उनके आकर्षण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसके आकर्षण में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आकर्षण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आया प्लस टू। इसी तरह ग्रुप थ्री एक एलिमेंट, मसलन बोरोन, मसलन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तीसरे ग्रुप के, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसमें क्या चार्ज आएगा प्लस थ्री चार्ज आएगा। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा प्लस थ्री। तो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है प्लस थ्री। तो मेटल्स यानी जो पैरेंट टेबल के लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, लूज करके कौन सा आयन बनाते हैं, केट आयन, कौन सा आयन बनाएंगे, केट आयन। तो ग्रुप वन एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक, तो कौन सा चार्ज आएगा ग्रुप वन ए के आयन पे प्लस वन। ग्रुप टू एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दो, तो उनपे कौन सा चार्ज आएगा प्लस टू। ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, थ्री, तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस थ्री। अब ग्रुप फोर ए के एलिमेंट्स यूजुअली लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या करेंगे शेयर। अगर वो लूज करेंगे तो उन पे प्लस फोर चार्ज आएगा, मतलब कार्बन पे। अगर वो गेन करते हैं तो उस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस फोर चार्ज आएगा। तो उनके पास इक्वल चांस है कि वो लूज भी करें या गेन भी करें, यूजुअली वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है एन आयंस। अब ग्रुप सेवन ए के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप सेवन ए के एलिमेंट्स, सेवन ए से स्टार्ट करेंगे। तो सेवन ए के एलिमेंट्स के आकर्षण में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन ग्रुप में, तो आकर्षण में कितने होंगे, आठ, सात होंगे, कितने होंगे सात। तो इसको आठ कंप्लीट करने हैं, कितने कंप्लीट करने हैं, आठ। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल हम आगे पढ़ेंगे, या तो आकर्षण दो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट हो या कितने इलेक्ट्रॉनों से, आठ इलेक्ट्रॉनों से। तो इसके आकर्षण में सात है, तो आठ पूरे करने के लिए कितने चाहिए, एक चाहिए। मतलब इसमें आपके पास सारे हेलोजन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, तो ये सारे हेलोजन आएंगे, तो ये सात ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस वन। इसी तरह क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस वन। इसी तरह ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस वन। तो सात ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस वन चार्ज आएगा। यानी जो गेन कर रहे हैं, तो जो गेन कर रहे हैं उनको किस साइड में लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है माइनस वन। तो सात ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक, और उस पर कौन सा चार्ज आता है माइनस वन। इसी तरह छठे ग्रुप के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप सिक्स ए के एलिमेंट्स, बस इसकी कॉमन मिसाल आप ले लें तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस में कितने हैं छह, तो दो कंप्लीट करने के लिए, आठ कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इसमें कौन सा चार्ज आया माइनस टू। इसी तरह अगर आप सल्फर ले लें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो, इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस टू। तो छठे ग्रुप के एलिमेंट्स के आकर्षण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह, आठ पूरे करने के लिए कितने चाहिए, दो, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दो, और उसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस टू। इसी तरह ग्रुप फाइव ए के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप फाइव ए के एलिमेंट्स, मतलब नाइट्रोजन, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन, उसके ग्रेविटेशन में है पांच, तो आठ पूरे करने के लिए कितने चाहिए, तीन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके सात पांच ग्रुप के एलिमेंट्स, तो उसमें चार्ज क्या आएगा माइनस थ्री चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा माइनस थ्री। तो पांचवे ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, थ्री। छठे ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, टू। और सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वन। तो इस हिसाब से इनपे
माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन बिलतरती बिल पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो ये क्या है, केमिकल स्पीशीज और उनकी टाइप्स। बड़ा देखें केमिकल स्पीशीज, एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। मसलन अगर आप सोडियम ले तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11। तो ओवरऑल ये चार्ज कैंसिल होंगे, इक्वल होने की वजह से चार्ज ओवरऑल क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन ये एटम, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो उस वजह से उन पे क्या आता है, चार्ज आता है। तो दो टाइप है आइंस की, एक है गेट आइन या पॉजिटिव आइन, एन आइन या नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन वो आइन से जिन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। गेट आइन वो आइन से जिन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड, या पॉजिटिवली चार्ज आइंस आर कॉल्ड गेट आइंस। गेट आइंस आर फॉर्मड बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। कितना चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो आपको ग्रुप नंबर बताएगा। कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स दो इलेक्ट्रॉन लूज, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स तीन इलेक्ट्रॉन लूज। इसी तरह एन आइंस किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आइंस को क्या कहते हैं, एन आइंस। कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक, उन पे माइनस वन चार्ज आएगा। छठे ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दो, उन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस टू। और पांचवे ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तीन, तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस थ्री। चौथे ग्रुप के एलिमेंट लूज भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और गेन भी करते हैं। इसी तरह जो आठवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, मोस्टली होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब इस तरह देखें, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब चार्ज क्यों बनता है, चार्ज क्यों आता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको आपने समझना है। तो आप सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का कितने इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हुआ। तो पहले इलेक्ट्रॉन पे कितने थे, 11, तो माइनस 11 चार्ज था। अब कितने रह गए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से, माइनस टेन। तो प्रोटॉन्स को, ये प्रोटॉन अभी लूज या गेन नहीं हुए हैं, तो प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, 11 होने की वजह से प्लस 11 ही होगा। तो ओवरऑल अगर आप नेट चार्ज ले लें तो इसमें क्या होगा, प्लस 1 चार्ज होगा। एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से एक प्लस 1, नेट प्लस 1 चार्ज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ओवरऑल जो सोडियम आयन बनेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस 1। इसी तरह फ्लोरीन एटम अगर ले लें तो फ्लोरीन एटम में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, 9। तो इसमें क्या चार्ज होगा, प्लस 9। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, 9, उसमें क्या चार्ज होगा, माइनस 9। तो ओवरऑल फ्लोरीन का एटम क्या होगा, जीरो। उसमें चार्ज क्या होगा, जीरो। अब इस फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन से पार्टिकल बढ़ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन पे पहले माइनस 9 था, अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या हुआ, माइनस 10 हुआ। और प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, वही है, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 के। तो इसलिए फ्लोरीन पे चार्ज क्या हुआ, माइनस 1। इसी तरह सोडियम के बाद दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो 2 प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो उन पे प्लस 2 चार्ज हो गए। इसी तरह ग्रुप 3 एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उसमें कौन सा चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लूज करने से उन पे प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो गई, 3 क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 कम हो गई, जिसकी वजह से उनपे क्या, कौन सा चार्ज होगा, प्लस 3। इसी तरह सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, माइनस 1 चार्ज ज्यादा हुआ, उसमें क्या चार्ज होगा, और आप माइनस 1। तो ग्रुप 6 एक एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2, तो उन पे माइनस 2 चार्ज क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी तरह जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 3, तो उन पे कौन सा चार्ज हुआ, माइनस 3 चार्ज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसलिए उन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस 3 चार्ज होता है। तो ये आपने केमिकल स्पीशीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।